डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो कल आपको काम करवाया था आपने कर लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। जिस तरह क्लास में हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन से भी डिफाइन किया जाता है और एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी डिफाइन किया जा सकता है। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रखनी है आपने कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल मीन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो हमको मालूम है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स 5 है तो इट मींस कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 5 है। अगर 5 प्रोटॉन्स होंगे तो 5 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि इक्वल है इसलिए एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम न्यूट्रल पार्टिकल क्यों है? क्योंकि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अगर हम इसको बुक के अकॉर्डिंग देखें तो पेज नंबर 9 पे एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया गया है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। एटॉमिक नंबर क्या चीज है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी और इसको जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखते हैं मास नंबर क्या है। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट का मास नंबर कहलाता है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट के एटम का मास नंबर कहलाता है। और मास नंबर को हम ए कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जी के साथ जबकि मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ। हम इसको फिगर में देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में सर्कल्स हैं जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इस फिगर को देख के अगर हम बताना चाहें कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, तो हम देखते हैं इसके अंदर प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यानी कि इसका एटॉमिक ये वो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। और अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 1 हो तो मास नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो कहलाता है मास नंबर। तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो इस एलिमेंट का मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 जबकि मास नंबर 2 है। तो ये आज का टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बुक के पेज नंबर 9 पे लास्ट पे एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया गया है, ये आपने याद करना है डेफिनेशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी तक। एंड इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 10 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में मास नंबर को डिफाइन किया गया है, ये आपने याद करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए तक। यहाँ तक आज का टॉपिक है आपका। थैंक यू।